मैं महाकरुणा के सागर भगवान गौतम बुद्ध और बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी जनसभा के मुख्य अतिथि जिनके नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू हुआ है, श्रद्धेय एडवोकेट बाला साहेब प्रकाश राव अम्बेडकर जी जो बाबा साहब के पुत्र हैं, और जैसा अभी आप मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि इस समाज के लिए इससे बेहतरीन प्रवक्ता नेतृत्व आज जो एक पूरे भारतवर्ष में समाज नेता विहीन महसूस कर रहा है, ये पूर्ति के लिए मैं समझता हूं कि इनसे बेहतर चॉइस कोई हो नहीं सकती। साथियों, हमारे बीच में समता सैनिक दल के चीफ पैटर्न भाई उमेश सिंह गौतम, भारतीय बौद्ध महासभा के बहुत ही वरिष्ठ श्रद्धेय सारस्वरूप बौद्ध जी, भाई जय भगवान जाटव जी, महासंघ के चेयरमैन बी एस भारती जी, और रेलवे एसोसिएशन से हमेशा जुड़े रहे श्रद्धेय जसराम हरनोटिया जी, हमारे बीच में भाई जो देवन से आए हैं मुफ्ती साहब, और जो समाज के कार्य में सबसे बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं हमारे बीच में श्रद्धेय के पी चौधरी जी, और श्रद्धेय साथी जितने भी हैं संगठन भीम सैनिक, मैं सब संगठनों का नाम न लेकर के एक ही आवाज में कहूं, भीम सैनिक और समता सैनिक दल के सैनिक साथियों, आज आपने इस भारी संख्या में आकर के यह सिद्ध कर दिया कि हम कॉमन कॉज पर एक हैं, और जब भी जरूरत पड़ेगी हम अपने सब चीज भूल करके एक प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे जब भी आपका कुछ हो सकता है इस देश में। साथियों, आज बाबा साहब के द्वारा दिए हुए संविधान में धीरे धीरे जैसे चूहे कुतरता है, आपकी जितनी भी आपके लिए सुविधाएं संविधान में दी गई थी उनको नेस्तनाबूद करने का कार्य ये प्रेजेंट गवर्नमेंट कर रही है। साथियों, आपको इकट्ठा होकर के एक बिगुल बजाना होगा, अन्यथा जो बाबा साहब का प्रयास था वो व्यर्थ चला जाएगा। आप सब लोग अलग अलग धड़ों में बैठे हुए और एक प्रेशर ग्रुप तैयार नहीं हो पा रहा, और जब तक एक प्रेशर ग्रुप किसी भी गवर्नमेंट की चीज बनाने दीजिए, जब कोई चीज आएगी तो आप सब मिलकर जब उस पर एक हमला बोलेंगे तो जरूर उसका निष्कर्ष निकलेगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब ने हमें संविधान के तहत आरक्षण का जो प्रावधान किया उस पर दाएं बाएं से हमला हो रहा है, कभी क्रिमिनल की बात होती है तो कभी सुप्रीम कोर्ट कोई डायरेक्शन देता है, कोई हाईकोर्ट कोई डायरेक्शन देता है। आपका रोजगार खत्म हो गया, गवर्नमेंट सर्वेंट खत्म हो गए, और आगे कोई भर्ती नहीं हो रही। साथियों, आज ये देश का युवा दलित शोषित बैकवर्ड और मेनोरिटी आज इस देश से अपना हिस्सा मांग रहा है। हम ये कहते हैं कि आप हमेशा यूएस की बात करते हो, और जब आप यूएस की बात करते हो तो रूल ऑफ डाइवर्सिटी क्यों लागू नहीं करते इस देश में, रूल ऑफ डाइवर्सिटी जैसे काशीराम साहब ने कहा था, जैसे जिसकी जनसंख्या जितनी भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, रूल ऑफ डाइवर्सिटी ये कहता है कि आपको सभी जहां जहां सब संसाधनों में आपका हिस्सा होना चाहिए, प्रोपोर्शनल पॉपुलेशन। साथियों, आज ये सब चीज धीरे धीरे समाप्त की जा रही है, और उसका कारण हम लोग हैं, कोई आवाज नहीं उठाता। आज आपके बीच में महाराष्ट्र से चल करके श्रद्धेय बाला साहेब आए और ये आवाज उठाई
और संविधान बचाने की कसम उठाई और बाबा साहब के रास्ते पर उन्होंने चलने की कसम उठाई, इसलिए हम उनका साथ देते हैं। साथियों, ये किसी पार्टी की बात नहीं, ये किसी सरकार की बात नहीं, आज बात है हमारी समाज के स्पर्श की, आज बात है हमारे उन अधिकारों की जो बाबा साहब ने हमें प्रदत्त कराए। आज अगर उस पर कोई हमला करेगा, कोई भी गवर्नमेंट होगी, हम उसका जवाब देंगे। श्रद्धेय साथियों, आपने देखा होगा अहमदाबाद में प्रधानमंत्री ने भाषण दिया और ये कहते हैं स्वच्छता पर ध्यान दो। अरे स्वच्छता क्या है? गली गलियारों की स्वच्छता से कुछ नहीं है। आप पहले मन को स्वच्छ कीजिए, मन को स्वच्छ कीजिए और जब मन स्वच्छ होगा तब जाकर के ये देश का विकास भी होगा। आप बात करते हैं संवेदना की, संवेदनशील आप है नहीं। यदि आप दादरी कांड पर संवेदनशील होते, अखलाक के कांड पर संवेदनशील होते तो बेमुला कांड ना होता। अगर आप बेमुला कांड पर संवेदनशील होते तो उनका कांड ना होता। कहां है आप संवेदनशील? उनका कांड के बाद भी आप संवेदनशील नहीं हुए, आपने एक वर्ड नहीं बोला। और यदि आप उना कांड पर संवेदनशील होते तो सबीरपुर सहारनपुर का कांड नहीं होता। साथियों, ये बहुत सारी बातें हैं। आप कहते हैं कि हमें सत्य होना चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, हमें सहयोग मिलना चाहिए, हम संतुलन बनाए रखना चाहते। कहां है संतुलन? आप जब एक दलित मरता है तो आपका एक मंत्री वीके सिंह उसकी फुहार कुत्ते से देता है, क्या ये संतुलन है? क्या ये संतुलन है? संयम की बात जब आप करते हैं, राज्यसभा में जब मायावती बोलती है, पांच बार की मुख्यमंत्री उनको बोलने नहीं दिया जाता तो कहां है संयम? मैं इस दोहरी भाषा से, दोहरे चाल चलन से आप सब लोगों को अवगत कराना है। साथियों, यदि आप अभी टाइम है, यदि आप भी इकट्ठा नहीं होते तो बहुत देर हो जाएगी। और बात साहब, हम आपको विश्वास दिलाते हैं इस मंच के माध्यम से, यदि आप बाबा साहब के कदमों पर चल करके बाबा साहब की तरह से उसी तरह से त्याग करके चलेंगे तो हमारा जो शेष जीवन है, ये जितने भी लोग हैं हम आप सबके साथ हैं, लेकिन वो चीज होती नजर आनी चाहिए। साथियों, मैं बहुत ज्यादा समय न लेकर के मैं इस मंच के माध्यम से जितने भी पूरे भारतवर्ष में एट्रोसिटी हो रही है उनको कंडम करता हूं। और आपने देखा भी होगा, मैं समता सैनिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते से जहां जहां भी कोई एट्रोसिटी आज तक हुई हम लोगों ने उसमें चढ़ बढ़ कर भाग लिया। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि कहीं भी आज समय आ गया आप सबको इकट्ठा होकर चलने का। यदि इकट्ठा अभी भी नहीं होते तो फिर आप उस व्यवस्था में पहुंचने से ज्यादा दूर नहीं है जहां से शुरू हुए थे। इन्हीं शब्दों के साथ, समय कम है, मैं फिर आपसे सारे बोल दूंगा, आप मेरा साथ देंगे। जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, समता सैनिक दल, महासंघ। साथियों, क्या आप आज से एकमत होकर एक मंच पर जब भी कोई समाज की बात आएगी आप इकट्ठा होकर आवाज उठाएंगे? हाथ खड़े करके बताइए जरा। धन्यवाद। जय भीम।